नाजरीन ये बात है ईयर 1722 की, यानी आज से करीब 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रोगवीन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। उसने क्या देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टैचूज समंदर को पीठ देकर खड़े हैं। देखने में ये स्टैचूज किसी देव की तरह लगते थे जिनको बड़ी महारत से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जैकोब को ये मंजर काफी हैरानकुन लगा और तभी उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता ये चला कि पूरा आइलैंड सिर्फ चंद स्टैचूज से नहीं बल्कि कई सौ स्टैचूज से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ खड़े हैं तो कई जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दिए। जिस दिन ये एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ गिने चुने लोग रहते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टैचूज को किसने, क्यों और कब बनाया ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। बस उस दिन से लेकर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने जाते थे तो कई इनके पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ चंद ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिसको देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुँच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समंदर में इतना तन्हा है कि इसका पड़ोसी पिटकैन आइलैंड यहाँ से 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर इंसान भी नहीं बसते। 500 लोगों की आबादी वाला करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है, जो मैंगरीवा के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और यहाँ से चिली का साहिल भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में यहाँ पहुँचना सिर्फ प्लेन की मदद से ही पॉसिबल है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचाने में पूरे 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं और इन स्टैचूज को मोआई कहा जाता है। इन स्टैचूज में से कई की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये स्टैचूज 13th सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले। कई स्टैचूज अपनी बॉडी समेत आइलैंड के बॉर्डर पे शान से खड़े हैं तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जाते हैं। लेकिन 2012 में एक्सकवेशन के दौरान एक हैरत अंगेज हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है जिसको जमीन के अंदर दफन किया गया था। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट यानी इसकी हाइट एक पैसेंजर बस की लंबाई जितनी ही है, जबकि इसका वजन 90,000 केजी बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हैरानकुन चीज तो तब पता चली जब यहाँ एक रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टैचू मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराश कर स्टैचूज बनाना और फिर इतने ज्यादा वजनी स्टैचूज को आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स पर लाकर खड़ा करना, ये एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात ही नहीं। लिहाजा कई सालों तक ये माना जाता था कि ये काम स्पेस से आए एलियंस ने किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये स्टैचूज इसी आइलैंड पर मौजूद इस वॉल्केनो से निकलने वाले वॉल्केनिक ऐश स्टोन से बनाए गए थे, यानी ये काम यहीं इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब स्टैचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि बड़े पत्थरों पर वहीं पड़े पड़े काम करके उसको स्टैचू की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसको पत्थर से अलग कर लिया जाता था।
रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ आ गई, पर अब ये समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचूज को वॉल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि आखिरकार एक स्टैचू का वजन करीब 14 हाथियों के वजन के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन्स का सहारा ना हो तो ये काम करना इम्पॉसिबल लगता है। ये जानने के लिए कई स्टैचूज का मुआयना किया गया जो बीच रास्ते पर गिरे हुए थे, और इन सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज कॉमन थी। जो स्टैचूज किसी स्लोप पे गिरे हुए देखे गए वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज चढ़ाई पर पाए गए। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टैचूज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही ये गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टैचू को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। जी हाँ, स्टैचू को चलाकर आइलैंड के डिफरेंट लोकेशंस तक पहुँचाया जाता था। इस बात को प्रूव करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक स्टैचू बनाया गया और इसकी तीनों साइड्स पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया। एक खास एंगल पर स्टैचू को झुकाने के बाद एक साइड से जब इसको खींचा गया तो स्टैचू हैरतअंगेज तौर पे आगे बढ़ने लगा। इसी तरीके से स्टैचू को 50 फीट के डिस्टेंस तक मूव किया गया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग स्टैचूज को इसी तरीके से मूव किया करते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी भी बाकी था कि ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचूज बनाए, और यहाँ आखिर ऐसा हुआ क्या था कि ये लोग इनकम्प्लीट स्टैचूज ही छोड़ गए। एक स्टडी में बताया गया कि रापा नुई या ईस्टर आइलैंड पर किसी दौर में 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पॉलिनीशियन थे जो ईयर 300 में इस आइलैंड पर आए थे, यानी 1700 साल पहले। हैरतअंगेज तौर पे तब ये पूरा आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि आज दिखता है। यहाँ दरख्तों से भरा एक घना जंगल हुआ करता था, और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग किस्म के पोलन एविडेंस मिले हैं, जिनमें सबसे भारी मिकदार पाम ट्रीज की थी। अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो आखिर वो अब गया कहाँ? रिसर्चर्स का ख्याल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर डीफॉरेस्टेशन की गई थी। ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्रीज का ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग फार्मर्स थे। उनको एक ऐसी जमीन रिक्वायर्ड थी जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सकें और जहाँ उनको स्टैचूज को मूव करने में आसानी हो। इसी वजह से शायद उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया था। बड़े पैमाने पर डीफॉरेस्टेशन की वजह से माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो उनको कुछ पता नहीं चला, लेकिन वक्त के चलते यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा, और फिर आखिरकार यहाँ ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। आइलैंड से कई इंसानी हड्डियों और स्केलेटन भी मिले हैं जिन पर चोटों के निशान मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिविल वॉर हुई थी, जिसमें ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड पर खवातीन की तादाद कम पड़ जाने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले गए। आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जहाँ पर इन जायंट स्टोन स्टैचूज को देखकर यकीन नहीं होता कि वाकई ये इंसानों ने ही बनाए थे। इन स्टैचूज को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और ही मकसद था, इस बारे में कई रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।